कल हमने जो डिस्कस किया था वो था डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन के बारे में, और फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई चेंज कब होती है, या फिर मैं कहूँ सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एज सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कौन कौन से हैं, डिस्कस किया था कल। आज क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज बात करेंगे इम्प्लीकेशंस क्या हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन के, या फिर डिवेल्यूशन एंड रिवेल्यूशन के, और डिस्कस करेंगे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो हमने कल बात किया था जिसके बारे में। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आरबीआई जो इंटरवेंशन करती है वो कब करेगी, और इसके साथ साथ एक कंट्री की एक्सचेंज रेट या फिर परचेजिंग पावर यदि होती है डिक्रीज तो उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। पहले मैं वापस मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करता हूँ। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के अकॉर्डिंग एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, आरबीआई कब इंटरवेंशन करेगी, आरबीआई हस्तक्षेप कब करती है, जब जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, जब करेंसी की एक्सचेंज रेट ज्यादा फ्लक्चुएट होगी तब आरबीआई इंटरवेंशन करेगी। आज एक डॉलर में यदि पहले थे 70 रुपए, अब हो गए एक डॉलर में 75। ऐसा हुआ क्यों, एक्सचेंज रेट बढ़ती क्यों है, यदि एक्सचेंज रेट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, फ्लक्चुएट हुई क्यों, क्योंकि आज मार्केट में इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ गई। आज एक्सचेंज रेट बढ़ेगी कब, देखो मैं ग्राफ बनाऊं वापस में, ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, अब देखो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई यदि बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट गिर गई, अगर यदि सप्लाई बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट गिर गई। एक्सचेंज रेट गिरने से मतलब इंडिया की जो परचेजिंग पावर है, इंडिया की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो डाइल्यूट हो गई, कम हो गई। आज मार्केट में इंडियन रुपी की, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी की सप्लाई राइज हो गई। सप्लाई राइज क्यों हुई, आज हमारा पैसा विदेश में कब जाएगा, जब हम वहां से कुछ गुड्स इंपोर्ट करेंगे, सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करेंगे, तब हमारा पैसा, हमारा रुपया इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। तो यदि आज इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट गिरेगी, वही चल रहा है, पहले थी एक डॉलर में 70 रुपए, अब एक डॉलर में होगी 75 रुपए। एक्सचेंज रेट गिरने से मतलब है परचेजिंग पावर डिक्रीज होना। मेरी हर एक बात को चार बार समझे, क्योंकि मैंने कह दी कि एक्सचेंज रेट गिर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सर बढ़ गई, पहले एक में 70 थी तो एक डॉलर में हो गया 75, फायदा हो गया। दिमाग का इस्तेमाल करें, पहले यदि किसी एक डॉलर के आइटम को परचेज करने के लिए मुझे 70 रुपए देने थे, अब मुझे देने हैं 75, घाटा हो गया, एक्सचेंज रेट गिर गई। गिरने से मतलब है परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट आरबीआई इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो तब इंटरवेंशन करती है। अब आरबीआई इंटरवेंशन कैसे करेगी, मार्केट में से इंडियन रुपी, मार्केट से इंडियन रुपी परचेज करेगी डॉलर देके, या फिर मैं कहूं फॉरेन करेंसी के थ्रू। मार्केट में आज इंडियन रुपी की सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है, एक्सचेंज रेट गिर रही है, तो गवर्नमेंट चाहेगी वो इंडियन रुपी जितना भी है हम वापस अपने पास इकट्ठा कर लें, वापस जो मार्केट में सप्लाई थी वो हम अपने पास खींच लें सप्लाई को,
अब सप्लाई अब हमारे पास इंडियन रुपी कब आएगा, जब हम सामने वाले को डॉलर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेन करेंसी के रिजर्व डिक्रीज करने पड़ेंगे, फॉरेन करेंसी के रिजर्व डिक्रीज करने पड़ेंगे फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट को रोकने के लिए, आरबीआई को एक्सचेंज रेट स्टेबल करने के लिए, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए फॉरेन करेंसी के रिजर्व मार्केट में उतारने पड़ेंगे। सीधी भाषा में यदि मुझे यदि इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ INR की सप्लाई है, अब आरबीआई इस 100 करोड़ इंडियन रुपी को परचेज कैसे करेगी, डॉलर बेच के, करेगी। गवर्नमेंट के पास आरबीआई के पास पहले से ही डॉलर की सप्लाई होगी, पहले से ही गवर्नमेंट के पास डॉलर का रिजर्व होगा, अब इस डॉलर को बेच के रुपया खरीद लेंगे ताकि मार्केट में एक टाइम पीरियड के बाद वापस रुपए की शॉर्टेज आएगी और एक्सचेंज रेट वापस बढ़ जाएगी। मार्केट में ऐसा करने के बाद मार्केट में वापस रुपए की डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड यदि इंक्रीज होगी तो वापस एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आरबीआई इंटरवेंशन करती है। जिनकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो उनके लिए मेरा दूसरा तरीका है, सिलेक्टेड स्टडी मतलब एस्टिमेटेड स्टडी, कि इस टॉपिक को डिस्कस, इस टॉपिक को पढ़ लें अच्छे से, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही टॉपिक आएंगे, जिन्हें डीप में पढ़ना है वो मेरी बात ध्यान से सुने। तो ये तो थी मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई का इंटरवेंशन, आरबीआई कब इंटरवेंशन करेगी, क्यों करेगी। अब बात करें इम्पैक्ट, जो हम पहले भी डिस्कस किया था एक बार, आज भी दोबारा कर रहे हैं। इम्पैक्ट किसका, डेप्रिसिएशन का एंड एप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मैं अभी दोनों बात कर रहा हूं फॉरेन करेंसी के बेसिस पर, फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन और फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन। यदि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट मतलब फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी, फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर होगी डिक्रीज। और यदि परचेजिंग पावर होती है डिक्रीज, तब फॉरेन कंट्री का एक्सपोर्ट राइज करेगा। यदि फॉरेन कंट्री की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है तो फॉरेन कंट्री का एक्सपोर्ट राइज करेगा, या फिर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, इंडिया का इंपोर्ट राइज करेगा। सीधी बात है, पहले जो हम आइटम परचेज कर रहे थे 70 रुपए में, फॉरेन करेंसी यदि डेप्रिशिएट हो गई तो सेम आइटम हम परचेज कर रहे हैं 65 रुपए में। पहले जो आइटम हम 70 रुपए में परचेज कर रहे थे, यदि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होती है, फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होम करेंसी एप्रिसिएशन। यदि विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी को हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा, यदि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होगी उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, अपोजिट हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, रुपी की परचेजिंग पावर राइज होगी। और यदि रुपी की परचेजिंग पावर राइज होगी तो पहले जो आइटम हमें 70 रुपए में मिल रहा था एग्जांपल के लिए, अब वो मिलेगा 65 में। सस्ता मिल रहा है तो आज खरीद लो, इसीलिए इंडिया के इंपोर्ट राइज करेंगे। जितना इंपैक्ट एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री के, या फिर कह सकता हूं इंपोर्ट फॉरेन कंट्री के। ये तो था कि जब फॉरेन कंट्री की करेंसी, डेप्रिशिएट होगी तो फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट राइज करेंगे, इंडियन कंपनी के या फिर इंडियन कंट्री के इंपोर्ट राइज करेंगे। यदि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इसका अपोजिट, उनके इंपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। क्योंकि फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है पहले था $1 में 70, अब है 75,
$1 में थे 70 रुपए, अब है 75 रुपए। अब हमें महंगा मिलेगा यदि आज मैं परचेज करता हूँ बाहर से कोई आइटम, तो उन्हें सस्ता मिलेगा, क्योंकि उन्हें यदि पहले एक 70 रुपए का आइटम परचेज करना था तब $1 देना था। अब यदि सेम वही $70 का आइटम परचेज करेंगे तो उन्हें कुछ कम डॉलर देने होंगे, या कह सकता हूँ 90 सेंट देने होंगे। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे हैं, वैसे $1 में 100 सेंट है। तो अब उन्हें सेम वही 70 रुपए का आइटम परचेज करना है तो कुछ 90 सेंट देने होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके इम्पोर्ट राइज करेंगे, फॉरेन कंट्री के इम्पोर्ट राइज करेंगे, इंडियन कंट्री के एक्सपोर्ट राइज करेंगे। ये तो इम्पैक्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। डिवेल्यूशन और रिवेल्यूशन के इम्पैक्ट क्या रहेंगे? अब डिवेल्यूशन का मतलब है आरबीआई के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जब भी एक्सचेंज रेट चेंज होती है तो गवर्नमेंट उस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेती है। अब जो इम्पैक्ट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के हैं, सेम वही इम्पैक्ट डिवेल्यूशन के हैं। आज इंडियन करेंसी गिर रही है, यदि इंडियन करेंसी गिरेगी तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पे बर्डन आने वाला है आने वाले टाइम में, बर्डन किसका, इनने जो लोन लिया था इस लोन को यदि पेड करेंगे तो इंटरेस्ट भी पेड करनी पड़ेगी। तो यदि कंट्री की वैल्यू गिरेगी तो कहीं ना कहीं लोन का अमाउंट पड़ेगा। मैंने पहले $1 लाख का लोन लिया था, उस समय डॉलर की रेट थी 65, आज डॉलर की रेट हुई 70। तो इसका मतलब मैंने रुपी के हिसाब से पहले लिया था 65 लाख का लोन, अब मैंने वही लोन हो गया 70 लाख का, मतलब 5 लाख तो केवल एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से राइज हो गए। ये कॉन्सेप्ट है डिवेल्यूएशन। अगली बात करें, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मोस्ट प्रोबेबल है कल ये अपना चैप्टर हो जाए खत्म। बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट थी कि एक रेट जिस पर दो कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज होंगी, वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसीज की लेन देन होंगे, दो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज के लेन देन जिस मार्केट में होंगे, या उस मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसीज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड इन दी कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज के लेन देन होंगे, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। फंक्शंस कौन कौन से हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? फंक्शंस तीन फंक्शन है। नंबर वन इज हेजिंग फंक्शन, नंबर सेकंड इज ट्रांसफर फंक्शन, एंड नंबर थर्ड इज क्रेडिट फंक्शन। हेजिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट। हेजिंग फंक्शन क्या होता है? हेजिंग, पहले बात करें हेजिंग की। हेज का मतलब होता है रिस्क मिनिमाइज करने वाली प्रोसेस, रिस्क मिनिमाइज करने वाली प्रोसेस। जैसे आज यूएसए से लोन सपोज लेता हूं मैं $1 लाख का, आज यूएसए से मैंने $1 लाख का लोन लिया, आज रेट है 75 रुपए। अब मुझे पता है कि यूएसए के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हैं,
यूएसए के वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज रेट 80 रुपए हो जाएगी। प्रेजेंट स्कैनरियो के हिसाब से चलते जाएंगे तो ये रेट पहुंच जाएगी 80 रुपए। तो कहीं ना कहीं केवल एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से मुझे 5 लाख का घाटा होगा। जिनकी बात समझ में आ रही है सुनते जाएं, जिनकी नहीं समझ में आ रही है वो भी सुनते जाएं। 1 लाख डॉलर मैंने लोन लिया था 75 के भाव पे, तो सीधी सी बात मैंने इंडियन रुपी के हिसाब से 75 लाख का लोन लिया है। लेकिन यदि भविष्य में ये रेट होगी 80 तो मुझे 80 लाख डॉलर चुकाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे 5 लाख। इस लॉस को ही मिनिमाइज करने के लिए एक फंक्शन परफॉर्म होता है, हेजिंग फंक्शन, उसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। कैसे परफॉर्म होता है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसके लिए अलग 3 पॉलिसी होती हैं, हेज को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं। तो जो भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे वो हेजिंग फंक्शन है। रिस्क क्यों होगा? ड्यू टू करेंसीज फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड रिस्क क्रिएटेड ड्यू टू दोज फ्लक्चुएशंस। फॉर अवॉइडिंग दीज टाइप ऑफ लॉसेज अ फंक्शन इज परफॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज हेजिंग फंक्शन। तो पहला है हेजिंग फंक्शन, नंबर सेकंड। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है कि एक कंट्री की, इंडिया की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की कंपनीज यूएसए से लोन तो ले रही हैं, यूएसए से लोन तो ले रहे हैं, लेकिन लोन ये मांग रहे हैं इंडिया वाले, जो भी कंट्री लोन ले रहा है वो कह रहा है भैया हमें 2 साल की क्रेडिट चाहिए। 2 ईयर्स की क्रेडिट मतलब 2 साल के बाद ही हम पैसा चुकाएंगे, अभी हम पैसा नहीं चुका पाएंगे 2 साल तक। तो एक कंट्री की क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर, या कहूं एक कंट्री की गुडविल के बेसिस पर जो भी क्रेडिट अवेलेबल होगी, एक कंट्री की गुडविल के बेसिस पर जो भी क्रेडिट अवेलेबल होगी एक टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो क्रेडिट गुड्स के लिए हो या फिर सर्विसेज के लिए हो या किसी और के लिए हो, उसे बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन। आसान भाषा में मुझे आज लोन लेना है, पैसा नहीं है, सामने वाला मुझे क्यों देगा उधार पैसे? तो कंट्री की एक रेटिंग डिसाइड होती है, रेटिंग मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू, ये कंट्री की इस गवर्नमेंट पर भरोसेमंद गवर्नमेंट है, पैसा चुका देगी आने वाले टाइम पीरियड के दौरान, इस कंट्री की जो कंपनी है भरोसेमंद है, पैसा चुका देगी आने वाले टाइम में, वो होती है क्रेडिट रेटिंग। तो उस क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट आज हम लेते हैं दूसरे कंट्रीज से, और इस तरह का फंक्शन कहलाता है क्रेडिट फंक्शन। नंबर थर्ड, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है एक कंट्री की परचेजिंग पावर, एक कंट्री की, या फिर कहूं एक कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर डिसाइड करना, एक कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर डिसाइड करना अदर कंट्रीज के रेस्पेक्ट में कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। डिसाइडिंग ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर करेंसी। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक फंक्शन ये भी है कि जो एक्सचेंज रेट कितनी रहेगी, क्या रहेगी, वह डिसाइड करना, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जो भी करेंसी की एक्सचेंज रेट रहेगी वह डिसाइड करना, या फिर मैं कहूं उस करेंसी को कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, एक कंट्री की परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना या फिर एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। कैसे कन्वर्ट होंगे वो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कवर होगा। 3 फंक्शन है, हेजिंग,
क्रेडिट ट्रांसफर, हेजिंग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, क्रेडिट यदि उधार पैसा चाहिए, उधार गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, मैंने यूएसए से माल उधार खरीदा है तो उसके लिए जो भी टाइम पीरियड अलाउ होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर होगा। और ट्रांसफर फंक्शन मतलब यदि करेंसी एक्सचेंज करनी है तो ट्रांसफर का प्रोसेस क्या रहेगा, करेंसी की एक्सचेंज प्रोसेस क्या रहेगी, वो तीसरा फंक्शन है ट्रांसफर।